प्याज महंगा हो गया सर, पहले प्याज सस्ता था, प्याज महंगा हो गया अभी। चार घंटी इस्तेमाल करते थे, आज एक करनी पड़ रही है। सलाद में चार पांच काटते थे, आज एक काटनी पड़ेगी। ऊपर से माल कम आएगा तभी तो महंगाई होगी, जब माल नहीं होगा तभी महंगाई होती है हर चीज की। पहले माल ज्यादा बिकता था, अब कम हो गया। जो 5 किलो ले जाता वो 1 किलो 2 किलो रुपया ले जाए, 2.5 किलो ले जा रहा, बहुत ले जा रहा। ये दूर से खाली पोस्टर देख लो, खाने को नहीं मिलेगा, इतना महंगा हो रहा है इस टाइम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव रस्तोगी और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम लोग इस वक्त यूपी के जिला बरेली में नगर निगम सब्जी मंडी में हैं। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे यहाँ पर प्याज की बड़ी बड़ी दुकानें लगी हुई हैं। पिछले दिनों हमने देखा था कि टमाटर जो था वो अचानक का रंग लाल हो गया था और उसने जो था लोगों की रसोई का जो बजट था वो बिगाड़ना शुरू कर दिया था। अब यही हाल जो है वो प्याज का हो चुका है। प्याज की जो कीमतें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं और इसके साथ में इसका रेट कहीं ना कहीं कह सकते हुए 60 का आंकड़ा पार करता हुआ दिखाई दे रहा है। नगर निगम सब्जी मंडी की बात करें, चाहे सिटी सब्जी मंडी की बात करें, जो बरेली की प्रमुख सब्जी मंडियां हैं, वहां पर जब हमने पहुंचकर जायजा लिया है तो पता चला है कि जो रेट है वो पिछले 7-8 दिनों में उछलकर करीब 2 गुना हो चुका है। इसके कारण से जो आम लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ आने वाली तमाम जो लोग प्याज खरीदने आ रहे हैं, महिलाएं आ रही हैं, उनसे खासकर जब हमने बात करने की कोशिश करी है तो उनका साफ कहना है कि प्याज का रेट महंगा होने से वो कहीं ना कहीं उनकी रसोई का जो बजट है वो बिगड़ गया है। इसके अलावा पहले वो 5 किलो प्याज खरीद के लेके जा रहे थे, वो अब केवल 1 किलो या 2 किलो ही खरीदारी कर रहे हैं यहाँ पे आके। इसके अलावा अगर हम बात करें जो प्याज के व्यापारी हैं, जो प्याज बेच रहे हैं उनकी बात करें, तो वो लोग भी इस प्याज की जो कीमतें बढ़ रही हैं उससे परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि पिछले दिनों तक जहां प्याज का रेट जो 30-35 रुपए के आसपास था, तब एक ग्राहक जो दुकान पर खरीदने आता था वो करीब 5 किलो प्याज खरीद के लेके जा रहा था, लेकिन अब वो प्याज की बिक्री जो है वो घटकर 2 किलो और 1 किलो पर ही समेट कर रह गई है। इससे कहीं ना कहीं उन्हें जो डेली व्यापार में भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके साथ साथ जो आम लोग हैं वो भी परेशान हो रहे हैं, उनकी थाली का स्वाद जो है वो बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है, साथ ही साथ लोगों की घरों की रसोई का बजट जो है वो भी बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हम जो लोग मंडी में प्याज खरीदने आए हैं उनका क्या कहना है वो भी आपको सुनवाएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि जो प्याज बेचने वाले व्यापारी हैं उन्होंने प्याज के दाम महंगे होने को लेकर क्या कहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तारावती है, सिकलापुर से हूँ, फर्नीचर मंडी विजय किरण जी। आज मंडी आई है प्याज का क्या रेट? आज मैं काफी टाइम प्याज काफी कॉस्टली है, महंगा है और क्या करे। जहाँ 4 घंटी इस्तेमाल करते थे आज एक करनी पड़ रही है। सलाद में 4-5 काटते थे, आज एक काटनी पड़ेगी। बस ये ऐसे ही लेके चलना पड़ता है, क्या करा जाए। पिछले दिनों हमने देखा था तो बहुत सस्ता टमाटर का था, वो न्यूज़ चैनल पे देख रहे थे कि भैया सुबह आज प्याज की भी यही नौबत आ गई है कि दूर से खाली पोस्टर देख लो, खाने को नहीं मिलेगा, इतना महंगा हो रहा है इस टाइम। थोड़े दिन पहले नवरात थे, नवरात में अमूमन आम आदमी जो होता है प्याज नहीं खाता है, नहीं खाता परहेज करता है। उससे पहले रेट और अब के रेटों में क्या फर्क नजर आ रहा है? नहीं, पहले तो ठीक था, अब जो नहीं बिका उसकी सेल अब बढ़ा दी गई है, मतलब जो नहीं खाया उसका औसत अब निकल जाएगा। मतलब उतना बचाया हम लोगों ने नवरात्रों में प्याज ना खा के, उतना ही अब देना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रीतम सिंह। प्रीतम जी, प्याज का क्या रेट चल रहा है? प्याज का रेट है साहब, भाई साहब 55-60 रुपए कांटे पर बिक रही है, 7% की हालत है, 5 रुपए पल्लेदारी, 15 रुपए कट्टा ढुलाई और 15 रुपए कट्टा वहाँ से रिक्शे से लटके जाता है। वो तो ये ऊपर से ही माल कमा रहा है। हाँ, ऊपर से माल कमा रहा है तभी तो महंगाई होगी, जब माल नहीं होगा तभी महंगाई होती है हर चीज की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनय भैया। क्या करते हैं आप? कैंटीन में काम करते हैं सर। कैंटीन में काम करते हैं, तो ये बताइएगा जब मंडी में आए हैं प्याज लेने के लिए तो किस रेट आपको प्याज मिल रहा है? प्याज मिल रहा है 280। प्याज महंगा हो गया सर, पहले प्याज सस्ता था, प्याज महंगा हो गया अभी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीप है। ये बताइएगा कि अभी जो रेट चल रहा है मंडी में, अब क्या रेट है प्याज के और पहले क्या रेट चल रहा था? पहले 140 रुपए 5 किलो था, अब 280 रुपए 300 रुपए अब जो रेट चल रहा है। तो ये रेट कब से बढ़े हैं? जो होगा करीब 8-10 दिन हुए बस, 9-10 के बाद से आज समझ लो आप। तो पहले जिस हिसाब से आप लोगों पर ग्राहक आ रहे थे तब में और अब में डिमांड कितनी घटी है? अब बहुत माल कम बिक रहा है, पहले माल ज्यादा बिकता था, अब कम हो गया। जो 5 किलो ले जाता है वो 1 किलो 2 किलो रुपया ले जा रहा, 2.5 किलो ले जा रहा, बहुत ले जा रहा, इससे ज्यादा थोड़ी नहीं ले जा रहा। अब हम लोगों की दुकानदारी हल्की हो गई इससे, पहले हमारी दुकानदारी बढ़ हुई थी, अब जैसे आपकी प्याज 5 किलो की लगना है तो हमारी 2 किलो की दुकानदारी रह गई। अब
अब बैठा हुआ हाथ प्याज रखो हुए, दुकानदारी याद ही नहीं रही हमारी। यही हाल टमाटर का था, यही प्याज में मिल रही है हमें देखने को। सरकार से हमें यही करना नहीं है, जो मतलब जो रेट जो पहले के थे वही रेट आ जाए अब सही। अब ये इतनी महंगी सौदा होगी, जब ग्राहक ही न ले पाएगा तो हम कहाँ से सरकार कहाँ पे बेचेंगे हम जी भी, ये बताइए। अब जिसके गोदाम में भरा हुए हैं वो तो वहाँ जाके देखें, अब जो छापे मारे क्या करा जाए उनसे। क्या नाम है आपका जी? मोहम्मद शरीफ। ये बताइए कि इस समय मंडी में प्याज का क्या रेट चल रहा है और कब से इसके दाम बढ़े हैं? ये लगभग एक हफ्ते से 30 से 35 रुपए किलो था, आज जो है 50 से 55 रुपए किलो तक है। 50 से 55 रुपए। अच्छा ये मतलब जो दाम अचानक से बढ़े हैं इसके पीछे मतलब क्या माल ऊपर से कम आ रहा है? गिरावट जरूर होगी, जब माल कम है तो गिरावट ही होगी, बिक्री में भी फर्क है। ये है 2 किलो का 1 किलो फर्क इतना है। मुकेश जी ये बताइए कि प्याज का रेट इस समय क्या चल रहा है और पहले क्या था? पहले तो 22-23 था, अब तो 56-57-58 ये कब से मतलब जो है तेज हुआ है प्याज का दाम? 4-5 दिन से हुआ है। 4-5 दिन से। तो ये चीज बताइए कि जैसे जिस तरीके से पहले आदमी आ रहा था मंडी में आ रहा था प्याज लेने और अब आ रहा है, तो क्या ग्राहकों की संख्या घटी है? घटेगी संख्या तो घटेगी, यार आदमी कम एक किलो पावरी लेगा तो एक किलो लेगा आदमी।